हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल प्रिया की राय एंड वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। फ्रेंड्स, आज तो मेरा ये बहुत ज़्यादा हैप्पी है, इतना कि मतलब मैं क्या बताऊँ। आप लोग एक झलक मेरे राय को देखो, देखो कैसे झूम रहे हैं, देखो ये देखो, इतना खुशी, मतलब खुशी क्यों नहीं होंगे फ्रेंड्स। आज जो है प्रिया मेरे बहुत दिनों का विश जो है पूरा करने वाली है, इसके लिए मैं झूम रहा हूँ। तुम्हारे ये जो तुम मेरा इच्छा पूर्ण करने वाली हो ना, इसके लिए मैं बहुत झूम रहा हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, इतना हैप्पी कोई पेट से कैसे हो सकता, मतलब खाने से। हाँ तो इंसान को खाने से खुशी मिलती है। ये तुमको तो ऐसे दिखने में लग रहा है कि कुछ मिलने वाला है तुमको, ऐसा इतना खुशी लग रहा है। शिवरात्रि का जो पुलाव है, मीठा पुलाव, वो मेरा ड्यूटा। आप लोग तो जानते हैं शायद, अगर ब्लॉग देखा होगा तो मालूम होगा, जो नहीं मालूम है तो मैं बता दे रहा हूँ कि शिवरात्रि जो है हम लोग इस बार कर नहीं पाए क्योंकि प्रिया का पीरियड हो गया था, है ना। तो पीरियड की वजह से कर नहीं पा रहे थे, तो पूजा नहीं हुआ था। तो फिर शिवरात्रि का हम लोग जो है मीठा पुलाव प्रिया बनाती है, हर साल बनाती है। तो इस बार मैं नहीं बना पाई, नहीं हुआ क्योंकि पीरियड हुआ था। तो मैंने कहा कि ठीक है छोड़ो, अब हो ही नहीं रहा पूजा, तो क्या मीठा पुलाव खाएंगे। तो मेरा ड्यू था, ठीक है। उसके बाद जो है मैं रोज ही उसको मैं बोलता कि कब बनाऊंगी, खिला दो खिला दो खिला दो। मैडम को तो फुर्सत है नहीं, सब बना रहे, लेकिन मेरा मीठा पुलाव को छोड़ के बाकी सब खाना बना। हाँ, बाकी मैंने इनके चिकन भी खिलाया, बोलो। हाँ, तो चिकन खिला तो दिया मैंने। आज जो है चिकन भी घर पे है हम लोगों का, इसलिए मैंने प्रिया को कहा है कि भाई आज तो खिला दो, चिकन तो है साथ में, अच्छा लगेगा कि मीठा पुलाव के साथ चिकन कोसा होता है ना। हाँ, तो प्रिया एट लास्ट फ्रेंड्स राजी हो गई है बनाने के लिए, इसलिए मैं झूम रहा हूँ। यही बात है कि मैं आज राया जी को चिकन और मीठा पुलाव बना के और फ्रेंड्स ये खाएंगे। हाँ ठीक है, खाओगे फ्रेंड्स। आप लोगों को तो मैंने तो शिवरात्रि के दिन बोल ही दिए थे कि मैं बाद में इनको बना के दूंगी, तो आज मैं करते करते फ्रेंड्स इतना टाइम लगा दिया कि क्या बताऊं। कितना टाइम लगाया, ज्यादा तो नहीं लगाया एक्चुअली फ्रेंड्स, टाइम नहीं मिल रहा था। मतलब चिकन तो बना के दिए राया जी को, पर पुलाव बनाने में थोड़ा सा वक्त लगता है ना, तो मैं नहीं बना के दिए थे, तो आज मैं राया जी को बना के दूंगी। तो आप लोगों को तो बोले ही थे कि मैं बाद में बना के दूंगी, तो आज आप लोग को साथ लेके ही आप लोगों को दिखाएंगे कि मैं सच में प्रूफ रहेगा, आप लोग प्रूफ रहोगे। अच्छा, ताकि मैं बाद में फिर से तुमसे ना बोल पाए कि मैं बना के नहीं। देखो फ्रेंड्स क्या कर, मैं कुछ खाने को मांग रहा हूँ, अभी ये भी एक प्रूफ रख के मुझे खिलाएगा। नहीं तो तुम बाद में बोलोगे तुम बना के नहीं दिए। ठीक है, तो जरूर बोलते, लेकिन अपने नहीं बोल सकता, अब तो तुम रखी रही हो तो क्या। हाँ तो फ्रेंड्स आज तो हम बनाने जा रहे हैं, ठीक है, तो चलो जल्दी से हम बनाते हैं। और फ्रेंड्स जाने से पहले, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो और आज हमें पहली बार देख रहे हो, तो जी मैं बता रही हूँ कि मैं हूँ प्रिया और ये है मेरा राय जी। हम दोनों के बारे में जानना है तो जी हमारी काफ़ी सारे ब्लॉग से आप एक एक करके देख सकते हो और हमारे बारे में जो है जान सकते हो। और फ्रेंड्स अगर आपको हमारे ब्लॉग्स पसंद आते हैं तो जी हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, ये बात मत भूलना, ठीक है। और पास में छोटू सा प्यारा से क्यूट सा बेल आइकन है, उसको भी दबा देना, ताकि हम जब भी कोई नए नए ऐसे ब्लॉग्स डालें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फ़ोन में पहुँच सकते। तो फ्रेंड्स चलो जल्दी से जाके हम मीठा पुलाव और चिकन बनाते हैं, ठीक है। फ्रेंड्स और आप लोग भी फटाफट एक क्विक रेसिपी देख लो, चलो। फ्रेंड्स मैं तो अभी मेरे भोलेनाथ जी के लिए सबसे पहले चिकन बनाऊंगी, तो चिकन बनाने के लिए मैंने क्या क्या रेडी किए हैं सबसे पहले आप लोग एक झलक देख लो, ठीक है, उसके बाद मैं बनाती हूँ।
फ्रेंड्स, अभी बनेगा मीठा पुलाव, जो कि जिसके लिए मैं इतना वेट कर रहा था। अब इसकी बारी है। हाँ फ्रेंड्स, देखो मैंने इसको तो अच्छे से धो लिए है, धो के भिगो के रखे थे चावल को। अब इसके अंदर हम सारे मसाले डाल देंगे। सबसे पहले तो मैं इसके अंदर तो हो गया है। आप लोगों को तो दिखा दिए है, अभी जो है पुलाव दिखा दिए है प्रिया ने। तो अभी तो कुछ काम नहीं है मेरा, क्योंकि जो शूट करना था मैंने कर दिया है। अभी तो भूख के मारे मेरी जान निकल रही है कि क्या बताऊं फ्रेंड्स। तो फिलहाल तो मैं क्या करूं, थोड़ा रेस्ट लेता हूं, सो जाता हूं थोड़ा, क्योंकि मेरा कुछ काम नहीं है। ऐसे बैठे रहेंगे तो ज़्यादा भूख लगेगा, इसलिए मैं सो जाता हूं, क्योंकि जब होगा प्रिया तो बुला ही लेगी। तो अभी फ्रेंड्स मैं थोड़ा रेस्ट लेता हूं, उसके बाद आप लोगों से मिलते हैं। ठीक है, चलो। फ्रेंड्स आप लोग देखो, ये खुद मुझे खाना बनाने के लिए बोले और कैसे सो गए। देखो अभी इनको मैं देती हूँ। की गो एजे, की गो, अरे ओठो, शुए शुए तो पूरा मैं जीवनटा बर्बाद कर दिले। রান্নাটা হয়েছে মানে নিজেই বলবে, রান্না করতে নিজেই বলবে এটা খাবো ওটা খাবো, মানে বলতে বলতে তো আমার জীবনটা পুরো একদম বরবাদ হয়ে গেল তোমার জন্য। আমাকে রান্না করতে দিয়ে নিজে ঘুমিয়ে গেলে, তোলো বালিশটা তোলো, মাথার তো কোনো ঠিক নেই, পুরো ভোলে বাবা কি তোমাকে এমনি এমনি বলি। হ্যাঁ, ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে পুরো জীবনটা শেষ করলো আমার। শোশোকার মেয়ে জিন্দগি জো একদম বরবাদ কর দিয়ে এনে। आने ही वाले है मेरा चिकन, जो कि मैडम लेकर आई है। ये देखो एकदम तैयार है। ओफ, और पुलाव कहाँ है? हाँ लाओ लाओ, जल्दी लाओ। जिसका मुझे था इंतजार, जिसके लिए दिल था बेकरार, वो घड़ी आ गई। ये खोल के दिखाओ, सब तो ऐसे बंद करके रखोगे तो फ्रेंड्स को कैसे मालूम पड़ेगा कि कैसा बनाई हो। चलो दिखाओ, खोल खोल के दिखाओ। उफ, अब तो रहा नहीं जा रहा है। फ्रेंड्स देखो आप लोग, चिकन तैयार, आके दिखाओ। ये देखो, ओह क्या कलर है, बाप रे बाप। उफ, नेक्स्ट नेक्स्ट, अच्छा खुशबू आ रहा है फ्रेंड्स, अच्छा खुशबू आ रहा है। ये ओ बाबा, कितना सारा पुलाव बनाई हो। उफ,
दो दिन भर के खाओगे तुम। घी क्या ठूस ठूस के रही हो, घी का गंध से तो भर गया है पूरा। खा दिए है सब कुछ। फ्रेंड्स आप लोग देखो कितने अच्छे से मेरे पुलाव बने हैं, देखो एक बार। एकदम जबरदस्त। मैं आप लोग को दिखाती हूँ, ये देखो कितना गरम गरम पुलाव हुआ है। अभी जो है फ्रेंड्स ये गरम गरम पुलाव और ये चिकन के साथ हम लोग जो है अपना डिनर कर लेंगे। और साथ में तो प्रिया ने ये सलाद काट के रखा है ना, तो ठीक है तो फिर सब बांट दो। हाँ हाँ खाना लगा दो। तो फ्रेंड्स दोनों तो बैठ गए हैं खाने के लिए। प्रिया जब खाना बना रही थी तब ना मेरा थोड़ा आग लग गया था, ठीक है, लेकिन अभी जो ये खाना देखा ना फ्रेंड्स, तो अभी मेरा आग जो है खुली की खुली रह गई है। अभी जो है फटाफट खा लेंगे। हाँ, है ना, अभी जल्दी से खा लेंगे एकदम। चलो स्टार्ट करते फिर। तो फ्रेंड्स हम तो अभी स्टार्ट करते हैं, आप लोग यहाँ से खाओ और क्या बोले, ठीक है तो चलो शुरू है। चलो पुलाव की खुशबू कैसा लग रहा है, पूरा घर जो है महक गया है खुशबू से। लो पहले एक बार तुम टेस्ट करो। कैसा बना है अभी तुमको टेस्ट करो। तो बात बोलो। फ्रेंड्स जबरदस्त सुपर से भी ऊपर टेस्ट आया है, एकदम बहुत अच्छा हुआ है पूरा एकदम ऑकेशन, मतलब जैसे लग रहा है ऑकेशन बड़ी का समय होता है। तुम जब भी ऐसे खाना बनाती हो ना थोड़ा भारी टाइप का खाना, तब तभी हर रोज ऑकेशन चलता है। ऐसा लग रहा है मानो अभी ऑकेशन है हमारे घर पे। बहुत 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 टेस्टी हुआ है खाना की क्या बताऊं। अभी जो है कुछ बनने का टाइम नहीं है, खा लेते पहले, ठीक है चलो शुरू करो। सब मेहनत का नतीजा है। दोनों एकदम एक नंबर हुआ है, ग्रेवी भी इतना टेस्टी हुआ है।
फ्रेंड्स खाना तो हो गया है दोनों का, बहुत ही बढ़िया खाना बना था फ्रेंड्स, जादुई पुलाव बना था, आज तो मैजिक हो गया है। हाँ, इतना खाए कि क्या बताएं फ्रेंड्स। और चिकन भी बहुत मस्त बना था, ठीक है। मेरा मतलब इतने दिनों के बाद वेट करके मुझे इतना मीठा मीठा कुछ खाना मिलेगा और इतना जबरदस्त टेस्ट होगा कि मैं मतलब मुझे ये अभी जादू ही लग रहा है, सब जादू ही हो रहा है मेरे सामने, सब जादू चल रहा है फ्रेंड्स। हाँ फ्रेंड्स, बहुत टेस्टी बना था, बहुत अच्छा लग रहा है। हाथ में तो जादू है और बस गया है, बहुत सारा बस भी गया है, तो थोड़ा करके खा लगे। इतना अच्छा खाना है एक ही बार थोड़ी ना खत्म कर, इसीलिए तो मैं ज्यादा करके बनाती हूँ। इसलिए ज्यादा की हो, इतना सारा पुलाव बनाया, बहुत सारा चिकन भी बहुत सारा बना तो है, रह गए है। हाँ ठीक है, आराम से अभी आज खाए, कल खाएंगे, परसों खाएंगे, खत्म कर देंगे दो दिन के अंदर क्या। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी जो है फ्रेंड्स प्रिया ने इतना मतलब चिकन ऐसे चाट चाट कर खाई है कि लिपस्टिक जो है प्रिया का उतर गया था। ठीक है, तो अरे कुछ भी बोल नहीं, ऐसे बता रहे आएंगे नहीं आएंगे ना पहनोगे, वही तो बता रहे फ्रेंड्स, लिपस्टिक उतर गया था, अभी फिर से पहन के आई है, देखो आप लोग। हाँ, होठ जो है एकदम गुलाबी गुलाबी है प्रिया का। तो मुझे कह रही थी कि वैसे बिना लिपस्टिक के कैसे आऊंगी फ्रेंड्स लोगों के सामने, मुझे क्या ये मतलब कुछ नहीं होता खाने के साथ, तुम लिपस्टिक भी खा रही हो। तो लिपस्टिक पहनने की चीज है तो मुझे अच्छा लगता है, मैं पहन, ठीक है पहनो, ऐसे ही बात को क्या प्रॉब्लम है। तो फ्रेंड्स लिपस्टिक पहना है प्रिया ने, मतलब आप लोग समझ सकते हो कि उसको उतारने का टाइम अभी मुझे, अरे उस तो बोलने ही देती हो फ्रेंड्स। आज का ब्लॉग जो है यहीं पे खत्म कर देंगे क्योंकि प्रिया ने लिपस्टिक पहना है, अब इसको उतारना है। ठीक है, तो मुझे तो कुछ बोलने ही नहीं दे रहे हो। अच्छा बोलो, तुम उल्टा उल्टा भागते जा रहे हो, तुम बोलो क्या बोलना है, क्योंकि मेरा अभी सबर नहीं हो रहा है फ्रेंड्स, इतना मजेदार खाना था और अभी जो है जो भी हो। अरे नहीं फ्रेंड्स, ऐसा कुछ नहीं है, उल्टा उल्टा बोल देते हैं। अरे तुम बोलो क्या बोलना है तुमको फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग जो है खत्म हो गया, उसका भी इच्छा है। अरे नहीं, अच्छा ठीक है फ्रेंड्स, चले जाऊंगी, ठीक है बैठो। इतना मेहनत करके खाना बने, पसीना पसीना हो गए, उसके बाद फिर से लिपस्टिक लगा कर आई है, मतलब इसका तो कोई वैल्यू मुझे देना पड़ेगा ना, इसीलिए मैं बोला ना। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज का ब्लॉग यहीं पे खत्म, मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग पे, तब तक आप सब लोग अच्छे से रहो, सबके लिए बाय बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि, टाटा।